हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के सब्जेक्ट की अंतिम प्रहार की सीरीज भी आज ही आएगी। निश्चिंत रहिए, आज ही आएगी। समय बहुत बड़ा बलवान है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आज ही पूरी सारी की सारी यूनिट्स कंप्लीट करने की, और मतलब यूनिट तो कंप्लीट हो गई, अंतिम प्रहार की पूरी सीरीज लाने की। तो हम 12 क्वेश्चंस की सीरीज पे हैं अंतिम प्रहार के ऊपर, और ये 5 नंबर की क्वेश्चन चल रहा है, 5 out of 12 की कहानी चल रही है। और पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, कल के एग्जाम में दिखने वाला क्वेश्चन, फॉरेन एक्सचेंज से ही रिलेटेड है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर, इससे जस्ट क्लास पहले वाली के अंदर मैंने बताया था, एक डिमांड सप्लाई का नियम है ना, और डिमांड सप्लाई प्राइस इसका नियम है जो अपनी फॉरेन एक्सचेंज को रेट को बताता है। मतलब कि $1 के बराबर 80 रुपए मिलेंगे के 70 मिलेंगे। ये किन किन कारणों से चेंज होती है। सबसे पहला इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई डायन खाए तो जाते हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, जोक सपाट, क्योंकि टेंशन का वातावरण है, थोड़ा हंसी मजाक भी करते रहना चाहिए, और अपना तो काम ही है, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, इन्जॉय रहो, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रेट, अभी इन्फ्लेशन रेट क्या है, उस देश की महंगाई, यानी कि परचेसिंग पावर कम हो जाती है, किसी भी प्रोडक्ट की परचेसिंग पावर कम हो जाती है आफ्टर अ वन ईयर, वन फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि आज जो प्रोडक्ट 100 रुपए में मिल रहा था, अगले साल वो 105 में मिल रहा है, तो 5% इन्फ्लेशन रेट हुई, समझ में आया। अभी इंडिया में 6% चल रही है, कितने परसेंट चल रही है कोई पूछ ले तो याद रखना, 6% चल रही है। कितने परसेंट, 6%, हाईएस्ट जा चुकी है 9% तक, ठीक है। और भी अभी सबसे हाईएस्ट कहाँ पे इन्फ्लेशन चल रही है, जिम्बाब्वे में। इससे पहले वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इन्फ्लेशन कहाँ रह चुका है, जर्मनी में, के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हिटलर साहब थे वहां पे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या है, यहां पर इन्फ्लेशन रेट महंगाई की दर है, वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट को, जैसे कि अब ये 80 की 82 हो गई, अब यहां 82 होना बढ़ना है, मतलब कि यहां पर रुपए की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, यहां पर परचेसिंग पावर कम हो रही है। यानी कि $1 अगर इक्वल टू 80 रुपीज से 82 हो गया, तो समझना कि रुपए की वैल्यू कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन रेट के कारण हो सकता है। इंटरेस्ट रेट, ब्याज, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आप आरबीआई में सुनते रहते हैं, इसके कारण भी फॉरेन एक्सचेंज रेट कम ज़्यादा होती है। इसके अलावा कंपनी का जो कंट्री का करंट अकाउंट होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्या उसके रेशो में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। मान लो 100 रुपये का मैं इम्पोर्ट किया और 110 का एक्सपोर्ट किया, तो 10 रुपया क्या हुआ, मेरा प्लस हुआ, एडवांटेज हुआ। तो अगर मेरा जितना ज़्यादा प्लस होगा, मेरी फॉरेन ट्रेड उतनी, करेंसी की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, और मेरी $1 का 60 रुपीज भी हो सकता है, ये बढ़ना हुआ है ना। नेक्स्ट है गवर्नमेंट डेब्ट, गवर्नमेंट के ऊपर जितना कर्जा होता है, इससे भी उसके जो फॉरेन रिजर्व होते हैं वो कम होते हैं, और फॉरेन रिजर्व कम होने से भी गवर्नमेंट की जो फॉरेन एक्सचेंज में वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, ये बात समझ में आई। एन नंबर्स ऑफ द रीजन है, देखो डिमांड भी है, इंटरेस्ट भी है, इन्फ्लेशन भी है, गवर्नमेंट डेब्ट भी है, कम बैलेंस ऑफ पेमेंट भी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस। आज जैसे पाकिस्तान में क्राइसिस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो कोई भी लोग वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। जब वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो वहां पर एक्सपोर्ट कभी भी प्रमोट नहीं होगा, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इन्फ्लेशन हाई होगा, तो ये इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालती है, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालती है। और रिसेशन, गरीबी, रिसेशन कह सकते हो, मतलब कि मंदी का दौर, ठीक है, ये सारे रीजन हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, गवर्नमेंट पॉपुलेशन, नेशनल पॉपुलेशन हो गई, गवर्नमेंट डेब्ट हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, रिसेशन हो गया, गवर्नमेंट रेजिमीज हो गए कि कैसे वो फिक्स या फ्लोटिंग रख रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई, इसके अलावा डिमांड सप्लाई हो गई करेंसी की, फॉरेन रिजर्व हो गए, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स हो गई, ये सारे रीजन्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करते हैं। आई होप ये पॉइंट सारे क्लियर हो रहे होंगे, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई इशू नहीं आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई आता है तो फील फ्री टू आस्क, आई एम रेडी टू हेल्प यू। एंड इसी के साथ देखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।